और जो बात रही दिल्ली में पड़ रही लगातार ठंड को लेकर, आपको बता दें कि राजधानी में कड़ाके की ठंड का सामना कर रहे लोगों को यहां पर बृहस्पतिवार की दोपहर गुनगुनी धूप निकलने से राहत मिली है। हालांकि सर्द हवा की वजह से यहां पर ठिठुरन कम नहीं हो रही है। शाम होते ही लोग कंपकंपाते हुए नजर आए, और लेकिन दिल्ली वालों को आज भी यहां पर धूप का इंतजार करना पड़ा। लेकिन सुबह होते ही यहां पर धूप निकलने लगी। मौसम विभाग ने यहां पर पूरे सप्ताह मौसम साफ रहने के साथ यहां पर सुबह शाम अधिक ठंड होने की संभावना जताई है। मौसम विभाग के मुताबिक बृहस्पतिवार को भी अधिकतम तापमान सामान्य से 3 कम 19.1 और साथ ही न्यूनतम तापमान सामान्य से 3 कम 6.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। और आपको बता दें कि यहां पर लोग धूप का आनंद लेते हुए नजर आए हैं। 7 से 24 जनवरी तक यहां पर बादल छाए रहने को भी जो है बताया जा रहा है कि कोहरा अधिक होने की वजह से सूर्यदेव के दर्शन नहीं हो रहे थे। 25 और साथ ही 26 जनवरी को थोड़ी देर के लिए यहां पर धूप निकली, लेकिन बादल छाए रहने के कारण इसका हल्का असर रहा है। बीते 24 घंटों में यहां पर हवा में नमी का भी स्तर 53 से 97% दर्ज किया गया है। इस वजह से यहां पर सुबह सड़कों पर हल्के स्तर पर यहां पर कोहरा देखने को मिला। मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि यहां पर अगले 24 घंटों में अधिकतम तापमान 19 और साथ ही न्यूनतम 6 डिग्री सेल्सियस रह सकता है।